Assalamualaikum students, I am your teacher Miss Anna Maria. Hope you all are fine by the grace of God. Today is 19 May 2021 and the day is Wednesday. I am going to share the screen with you. सेकेंड टर्म सिलेबस में जो हमारे पास चैप्टर है टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट उर्दू. आज हमारी उर्दू की क्लास है. ठीक है, फाइनल टर्म में जो हमारे पास चैप्टर्स हैं, अच्छी गजा, बदलते मौसम, पानी है जिंदगानी, कूड़े का घर कूड़ेदान, लालच बुरी बला है, एक बड़ा इंसान. ठीक है, ये चैप्टर जो है वो हम डन कर चुके हैं. ठीक है, एक चैप्टर हमारा जो रहता था लालच बुरी बला है, वो भी हमने अपनी लास्ट क्लास पर डन कर लिया था. तो हमारा जो फाइनल टर्म का सिलेबस है वो डन हो चुका है. तो अभी हमारा रिवीजन है. ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर जो है रीड करेंगे, क्योंकि आप लोग की रीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, तो रीडिंग आप लोग का, ताकि आप लोग की जो रीडिंग स्किल्स हैं वो डेवलप हो सकें, रीडिंग स्किल्स अच्छी हो सकें. तो आज हम जो रीडिंग करेंगे, मैं आप लोग को रीडिंग करके बताऊंगी कि आपने किस तरह रीडिंग करनी है और फिर रीडिंग के बाद क्या करना है. ठीक है, एक बड़ा इंसान. अल्लाह ने दुनिया में बहुत सी किस्म के इंसान बनाए हैं, छोटे बड़े, काले गोरे, नेकबद, जाहिल आलम. कोई किसी मुल्क में पैदा हुआ तो कोई किसी मुल्क में, किसी का मज़हब कुछ है तो किसी का कुछ. लेकिन एक बड़ा इंसान कौन है? बड़ा इंसान वो है जिसमें बेशुमार खूबियाँ हों और वो ऐसे काम करता हो जिससे दूसरों को फ़ायदा हो. दुनिया में बहुत बड़े बड़े इंसान गुजरे हैं, दुनिया उनके एहसानात और कारनामों को कभी नहीं भूल सकी. वो दुनिया से चले भी जाते हैं लेकिन दुनिया को उनके कामों से फ़ायदा पहुंचता रहता है. इन अच्छे कामों की वजह से दुनिया इनकी तरफ खिंची ही चली जाती है और इनके चाहने वालों की तादाद बढ़ती चली जाती है. हमारे मुल्क में भी बड़े बड़े इंसान गुजरे हैं और ऐसी यादें छोड़ के गुजरे हैं कि हम उनको कभी भूल नहीं सकेंगे. कि मोहम्मद सईद भी ऐसे ही एक इंसान थे जिन्होंने अपने इल्म और अमल से पाकिस्तानी कौम की दिन रात खिदमत की. वो खुश मिजाज, खुश लिबास, मेहनती और कौम की भलाई और इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार थे. उनका खाना पीना और रहन सहन बहुत सादा था. वो खुद तो बहुत सादा ज़िंदगी गुजार गए लेकिन कौम को वो दौलत और ख़जाने दे गए कि कौम उनके एहसान कभी नहीं भूलेगी. कौम के बच्चों की तालीम हो या कौम के लोगों की सेहत, हर मैदान में हम सबका हमदर्द हकीम मोहम्मद सईद बहुत बड़े इंसान थे. उनका एक ख़ास रसाला नौनिहाल बच्चों के लिए था, जो बच्चों की पसंद की हर चीज़ अपने अंदर लेकर आया. कहानियाँ, किस्से, मालूमात, लतीफ़े, नज़में और हर चीज़ का चटकारा उसमें मौजूद था. ठीक है, ये तो हम देख रहे हैं कि एक बड़ा इंसान. ठीक है, बड़ा इंसान सिर्फ हम बड़े इंसान के लिए हमें अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे हकीम साहब में थी. ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आज मैं रीडिंग स्किल्स की बात करूँ तो आपने इस टॉपिक को, इस रीडिंग को, ठीक है, आपने इस पूरे चैप्टर की रीडिंग करनी है. ठीक है, रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है, क्लियरली. ठीक है, लाउड वॉइस में रीडिंग कीजिएगा. ठीक है, जो लफ्ज़ आपसे नहीं पढ़े जाते, नहीं बोले जाते,
ठीक है, आपने उनको अंडरलाइन करना है, अपनी कॉपी में लिखना है, ताकि आप लोगों को जो वर्ड्स जो हैं, ठीक है, वर्ड्स पढ़ने आए, ठीक है, आपने उनकी राइटिंग करनी है, ताकि आप लोग की रीडिंग स्किल्स भी अच्छी हो और राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हो, साथ में आप लोग चीज़ों को मेमोराइज भी किया करें, ठीक है, ताकि आप लोग की जो रीडिंग स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, वो अच्छी हो। तो आज की जो क्लास है वो रीडिंग और राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड है आज की क्लास। तो आपने इस कंप्लीट चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है, ठीक है। रीडिंग के बाद आपने इस चैप्टर में जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं, चाहे वो 10 हो चाहे वो 20 हो, तो आपने उनको अपनी कॉपी में लिखना है, उनकी राइटिंग करनी है, ताकि जो है वो आप उन वर्ड्स को अच्छे से मेमोराइज कर सकें, उन वर्ड्स को अच्छे से याद करना है, ताकि आप लोग इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग कर सकें, ठीक है। और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो भी आपने अच्छे से लर्न करनी है, बुक की भी और कॉपी की भी, ठीक है, दोनों चीज़ें आपने अच्छे से लर्न करनी है, बट आपने रीडिंग इसकी बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आज की जो क्लास है वो हमारे रीडिंग स्किल्स से रिलेटेड है, तो आपने रीडिंग स्किल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आपने इस चैप्टर की बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है, ठीक है, रीडिंग करनी है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिखना है और उनको याद करना है, ठीक है। योर असाइनमेंट, आपका असाइनमेंट है कि आपने रीडिंग करके इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिखना है और उनको मेमोराइज करना है, और बार बार रीडिंग करनी है, आपकी रीडिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पे वाइंड अप होती है, ठीक है। तो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।